क्या नींद आई? मैंने सपना देखा मेरे पास और पैसे हैं। बहुत अच्छा था। रुको, ये ठीक नहीं है। मेरी पैंट्स कहाँ है? ये अच्छे लुक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं जानता हूँ, थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ। बहुत सारी चॉइसेस हैं। ये बढ़िया लग रहा है। वाह, इतनी जल्दी? मुझे और चाहिए। पैसे खर्चना मजेदार है। और क्या ये काफी है? वो जरा ये कपड़े तो देखो। मेरा बैंक मैनेजर बहुत गुस्सा होने वाला है, पर मुझे कोई पछतावा नहीं। रुको, पैंट्स? आह, वो ये रही। मैं ट्राई करता हूँ। ओ, लगता है गलती हो गई। मुझे अभी जीते जी मौत दिख गई थी। वो पैंट्स कहाँ है? इतनी मेहनत का फल अच्छा हो। बढ़िया, ये मुझ पर जचने वाली है। मुझे सीरियल बहुत पसंद है। दिन की शुरुआत करने का अच्छा तरीका है। मैं और नहीं खा सकती। मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। नई नई गॉसिप्स मिलेंगी। मेरे पास और कुछ करने को भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? दिलचस्प है। वाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था। सच में क्या बात है, हर रोज नई चीजें सीखने को मिलती है। मैं इसे रख ही नहीं पा रही। आउच! बहुत जोर से लगा। ये हुआ क्या? एक सेकंड रुको, ये हर जगह धागा क्यों है? ये कहाँ से आ गया? चलो देखते हैं। ओह, लगता है मैं जानती हूँ। ये मेरी फेवरेट जीन्स थी, खराब हो गई। अरे नहीं, मैं नई नहीं खरीद सकती, पर मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। ट्राई कर देखते हैं। पहले सुइंग किट लेंगे। मैं यहाँ कुछ तो इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखते हैं। ओह, यहाँ पर एक धागा है, पर ज्यादा नहीं है। ये नहीं चलेगा। यहाँ और क्या है? एक सेफ्टी पिन, ये काम आ सकती है। जानने का एक ही तरीका है। कितना बड़ा होल है, मैं इसे और बड़ा बनाने वाली हूँ। सीम के साथ साथ काटेंगे, बिल्कुल नीचे तक, इस तरह। अब मुझे सेफ्टी पिन्स चाहिए। इसे जीन्स के कफ में से निकालेंगे और फिर सिक्योर कर देंगे। इसे पूरी सीम पर करेंगे, बराबर जगह छोड़ते जाएंगे। इतना काफी है? वाह, बढ़िया लग रही है। और मैं कितनी फैशनेबल लग रही हूँ। मुझे कैटवॉक पर होना चाहिए। इस जीन्स के लिए तो लोग बहुत पैसे देंगे। तो मैं कहाँ थी? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बस ये खास इटली से आई है। जरा देखो तो, मैं अपनी आइसक्रीम के मजे लूंगी। नहीं, ये मेरी जैकेट पर गिर गई। कितना ज्यादा बुरा हुआ। बहुत फनी था। हाँ, लगता है तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है आइसक्रीम, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। अब मैं ये नहीं पहनूंगा, इसे फेंक देते हैं। ये पहनने का मन नहीं है। चलो हटाओ। ये हुई ना बात। क्या सोच है? जरा रुको। अरे यार, मुझे अपना टॉप बदल लेना चाहिए। उसने कैसे किया? क्या वो कोई जादूगर है? ओह, मैं समझ गई। पहले टॉप को उल्टा करेंगे, अब एक शोल्डर से छोड़ देंगे, स्लीव्स को पीछे की तरफ डालेंगे और उन्हें पीछे ही बांध देंगे, वो भी एकदम कस कर। अब नीचे का हिस्सा लेंगे, इसे कमर पर बांधेंगे और एक नॉट बना देंगे। ये हो गया। कितना प्यारा एसिमेट्रिकल टॉप बन गया है। अब चलते हैं। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? वो मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया। मैं बोर हो गई हूँ। क्या बकवास क्लास है। कैसी हो लेडीज? हाँ, मैं ही हूँ। मैं अच्छा लग रहा हूँ और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जरा मेरी ड्रिप देखो। वाह, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं अपने शूज बदलने चाहिए। जरा देखो तो सही, काफी अनोखे हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। सबसे स्टाइलिश मुझे ही होना था। मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो गई। जरा रुको, एक आइडिया है। हाँ, अब बारी है कमाल दिखाने की। पहले ऐसे शू रख देते हैं। अब मैं ग्लू स्टिक लूंगा। अब शू पर ग्लू स्टिक रब करेंगे। ये सूखनी नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी करना होगा। इसके ऊपर ग्लिटर डालेंगे, ये तो सबको ही पसंद होता है। मैं सिल्वर वाला डालूंगा, मुझे गोल्ड जितना ही पसंद है। अब इसमें एक्सेसरीज जोड़ते हैं। मैंने अपना ज्वेलरी बॉक्स खाली कर लिया है, इससे काफी अलग लगेगा। बहुत मजेदार है। वाह, तो ये कैसा लग रहा है? जरा इसे तो देखो, कूल है ना? हाँ, ठीक ही है। वाओ, मुझे तो बहुत पसंद आए। मुझे भी एक पेयर चाहिए। मेरे बूट्स बहुत बेसिक हैं।
मैं कुछ तो कर सकती हूँ। आहा, समझ गई। मैं अपने बूट्स को एक मेकओवर देती हूँ। मुझे एक मार्कर पेन चाहिए। बूट पर इस तरह डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये ठीक लग रही है। अब बूट के सेक्शंस को काट लेंगे। मेरे पास ये स्लिपर बच गया है, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। इस पर स्टिकर्स लगाएंगे। प्यारा सा पैटर्न बन गया। लगता है अब हो गया। चलो इसे सबको दिखाएं। हे, जरा ये देखो, ये मैंने खुद बनाए हैं। हो क्या? वो काफी बढ़िया किया मैडिसन। हाँ, तुम्हारा डिजाइनर कौन है? मैंने पक्का ये पेरिस में देखे हैं। हाँ, ये वहीं से तो आए हैं। हे भगवान, जेरेड को तुम बहुत पसंद हो। अरे नहीं, पर उसकी नजरें तो मुझे पर थी। जिम के बाद हम उससे बात करेंगे। मैं ये बाद में पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ऑरेंज सही रहेगा। जीना रुको, तुमने आखिरी बार शेव कब किया था? 2001 में। तुम्हें बहुत जल्द करने की जरूरत है। हाँ तुम ठीक कह रही हो। क्या मेरे पास शेव करने का टाइम है? अब मैं क्या करूँ? मेरा रेजर देखो, मैं अब ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अरे यार, पर हम ये ट्राई कर सकते हैं। कैंची? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें सोच रही थी। ये बहुत बुरा है। रुको, हमारे लूफर्स। हाँ, मैं समझी नहीं। हाँ, यही काम आएगा। पहले इसे इस तरह खोलेंगे, अब इसमें थोड़े सीक्वेंस डाल देंगे। कितने सुंदर है ना? और हमें बस यही चाहिए। तैयार हो? मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। बताओगी ये क्या है? मुझे लगा था तुम पूछोगी ही नहीं। अपनी नई स्पार्कली पैंट से मिलो। पसंद आई? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हें अब बाल दिखेंगे भी नहीं। कितनी क्यूट है। क्या हम लेट होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। जीना देखो, कैसी हो? ओह हे, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। एलेक्स, बढ़िया ग्लासेस हैं। जरा उसके सुंदर बालों को तो देखो। फिर मिलेंगे। हेलो, कुछ बोलो। ठीक है, कैसे हो? जीना, तुम्हारी कलाई पर क्या हुआ? देखो। वूप्स। इसे साफ कर देखो। ये काम किया? ना के बराबर। अब मैं क्या करूं? ये बहुत मुश्किल है। एक मिनट रुको। हे, ये मुझे दो। मेरा पानी? ठीक है, मुझे बस यही चाहिए। थोड़े स्क्रॉज लें और टिप्स से इन्हें काट दें। बढ़िया, ऐसे ही काटते जाएं जब तक बहुत सारे पीसेस न मिल जाएं। हमें बस यहाँ थोड़ी जगह चाहिए। ऐसी स्प्रिंग लें और इसे टेबल पर चिपका दें। इस तरह ये बिल्कुल हिलेगी नहीं जब तक आप इस पर पीसेस लगा रहे हैं। अब एक एंड से इस तरह डालते जाएं और खींचें। इससे बहुत कूल पैटर्न बन जाएगा। जी हाँ, एक हैंडमेड ब्रेसलेट। और ये मेरे फेवरेट रेनबो कलर्स है। हे, हाँ, वो, ये मेरे लिए बांध लो। हाँ बिल्कुल, दो बार गांठ मार देती हूँ और अब स्टेन नजर नहीं आ रहा। जाओ एलेक्स से बात करो। हे, हाँ, ओह हे, मेरे साथ आकर बैठ जाओ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा जीना। ओ, ये कितने प्यारे हैं। कितना बढ़िया ब्रेसलेट है। मुझे तुम्हारा स्टाइल बहुत पसंद है। शुक्रिया। अरे वाह, क्या? मैं प्रॉम के बारे में तो भूल ही गई। मुझे तैयार होना होगा। मेरे बाल तो ठीक है ना, पर टियारा से ही और अच्छे लगेंगे। देखो कैसे चमक रहा है। हाँ हो गया। ठीक है, पर मैं टी शर्ट नहीं पहन सकती। या फिर और ये सब भी नहीं। ठीक है, मेरे पास कुछ होना चाहिए। हाँ, हमने चुन लिया है। वुहू, ये इतना मुश्किल नहीं था। टडा, मैं वेंसडे जैसी क्यों लग रही हूँ? नहीं, ये कैसा रहेगा? मेरी स्पाइडी सेंस कह रही है। अरे नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। और ये डार्क एम्ब्रॉयडरी, मैं खुद से ही डर गई। हे, ये वाली प्यारी है, लगता है मैंने चुन ली। बाय के। हेलो गॉर्जियस, बहुत सुंदर और पिंक है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं ये डांस कर सकती हूँ? वाह, तुम्हारे क्या मूव्स हैं? तुमने डांस करना कहाँ से सीखा? ओ नहीं, एक मिनट रुको। शूज के बिना प्रॉम पर कौन जाता है? तुम तो लूजर हो। प्रॉम पर नंगे पैर आ गई, तुमसे बदबू भी आती होगी। क्या बकवास फैंटेसी थी, पर उसकी बात तो ठीक है। ये नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। यही चलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये पक्का फिट आ जाएंगे। बस थोड़े टाइट है। हाँ, बहुत ज्यादा टाइट है, मैं इसमें चल भी नहीं सकती। क्या मैं इन्हें स्क्वीज नहीं कर सकती? मेरी पूरी एड़ी बाहर है। मैं अब प्रॉम पर नहीं जा सकती, ये बहुत गलत बात है। ओ, अपने आंसू साफ करवा ली। हाँ? वो तुम कौन हो? मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। तुम्हारे पास शूज नहीं है क्योंकि मैं नंगे पैर प्रॉम पर जा रही हूँ। ओ, ये कोई परेशानी की बात नहीं है जब हमारे पास ये हो। ये लो, तुम ये पहन सकती हो। बटरफ्लाइज को अपना काम करने दो, देखो जरा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। थैंक यू फेरी गॉड मदर। यू आर वेलकम। ये सब बटरफ्लाइज ने किया है ना जादुई? चलो चले, हम लेट हो जाएंगे। चलो। ओह, तो फिर मैं अकेले ही चली जाती हूँ। प्रॉम से बेहतर तो सॉल्टी चिप्स है। वाह, यहाँ पर कितना बढ़िया सामान है। जरा इस बैग को देखो, कितना प्यारा है। मुझे ये बैग लेना होगा, कितना स्पार्कली है। रुको, मुझे उठाइए। बिल्कुल नहीं, मैंने वो पहले देखा था। ये सच नहीं है। यही सच है, छोड़ दो। जो भी हो, मैं अपना परफेक्ट पर्स खुद ही बना लूंगी और इसमें सारे कलर्स होंगे, बहुत बढ़िया बनेगा। सब मेरा बैग देखो, तुम्हें जलन नहीं हो रही? ये बहुत महंगा भी है। काफी क्यूट है, मैं जानती हूँ। चलो हटो, मुझे मेरे बैग को जगह चाहिए। क्या, तुम्हारा बैग तो बहुत बढ़िया है। हाँ सच में। हाँ, मैंने खुद बनाया है। हाँ बिल्कुल, और मैं सबके लिए स्नैक्स लाई हूँ, तुम लोगों को भूख लगी होगी। कोई भी मेरा बैग नहीं देख रहा, मैं जा रही हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। रुको मत, पॉप करते जाओ। तुम तैयार हो, अब जाकर खेल सकती हो। वाओ, थैंक्स मॉम। अब मैं आराम कर सकती हूँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। आनी, तुम वापस आ गई? हाँ, मैंने बहुत मस्ती की। ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? एक सेकंड रुको, पहले मैं तुम्हारे बालों को इकट्ठा कर लेती हूँ। अब इसकी ब्रेड बना देंगे। अब मुझे मेरा कपकेक चाहिए। खैर, बस इसका केस नीचे से कट कर दिया है, अब इसे आनी के ब्रेड पर लगाएंगे और इसके अंदर ही रैप कर देंगे। ये पिंस केक डेकोरेशंस की तरह दिखेंगे। ये बन गया हेयर बन। कमाल कर दिया मॉम, थैंक्स। अब तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे, चलो शेक करके देखो। आप सबसे अच्छी हो, मजे करो स्वीटी। विश्वास नहीं हो रहा, मुझे एग्जाम में एफ मिला। मुझे लगा इससे भी बुरा होगा। मैं क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास और भी जरूरी चीजें हैं, जैसे डांस करना।
किया। ओ एनी, तुम घर आ गई। स्कूल कैसा रहा? ये क्या है? तुम्हें F मिला? वाहू! हे, बस करो। क्या हुआ? मैं मजे कर रही थी। अब और नहीं, तुम्हें पढ़ना होगा। पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। मॉम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, शुरू करो। बहुत गलत बात है, जल्दी निपटा लेते हैं। पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। खैर छोड़ो। हाँ, कौन होगा? हेलो। हाय एनी की मॉम, मैं एनी के साथ खेल सकती हूँ? नहीं। हाँ ठीक है, अजीब था, अब मैं क्या करूँ? जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जानती हूँ मैं एनी को कैसे मिल सकती हूँ। थोड़ी चालाकी से जाना होगा। तो चलो, पहले मुझे अपनी लेगिंग्स चाहिए, इन्हें काट देंगे। अब ये नहीं चाहिए। और मैं हेयर क्लिप्स निकाल देती हूँ, लेगिंग्स को सर पर डालेंगे। ओह कितना फनी लग रहा है। अब मुझे एक विंग चाहिए, इमरजेंसीज के लिए मैं ये साथ ही रखती हूँ। मुझे ऐसे बनना बहुत पसंद है, मैं ग्रैनी जैसी लग रही हूँ। ये नहीं पहन सकते। ये हुई ना बात, अब मैं कैरेक्टर में आ जाती हूँ, मुझे सीरियस होना होगा। नॉक नॉक, मैं आखिरी बार कह रही हूँ। मैं आने की टीचर हूँ। आ जाइए, आप रिजल्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। आपको देखकर खुशी हुई, उस पर तरस मत खाना। हेलो एनी। हाँ, अब आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? तो इंतजार किसका है? ये मैं हूँ, चलो मस्ती करें। वो तुम भेस बदलने में माहिर हो, कमाल कर दिया। हाँ, ये आवाज कैसी है? ये पढ़ाई की तो नहीं है? यहाँ क्या हो रहा है? हम यहाँ एलजेब्रा कर रहे हैं। तुम्हें भी मजा आ रहा होगा, चलो चलो कर लो। तुम अच्छा कर रही हो एनी। वाह, ये कपकेक्स कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, पर अगर इसके ऊपर फ्रूट रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉम मॉम, मुझे भी अपनी डॉल जैसे बाल चाहिए। अच्छे हैं स्वीटी। लगता है आप समझे नहीं। मैं बिजी हूँ एनी। पर मैं कितनी सुंदर दिखती। कभी कभी मैं खुद को हैरान कर देती हूँ, मुझे कुकिंग शो में होना चाहिए। हाथ गंदे हो गए। हम ट्विन्स लगते। लगता है मैं जानती हूँ क्या करना है। मॉम आप क्या कर रही हो? तुम अपनी डॉल जैसे दिखना चाहती हो ना, तो ये ब्लैकबेरी का जूस तुम्हारे बालों को कलर कर देगा। तुम्हारे बालों में रब कर देती हूँ और महंगे महंगे हेयर कलर करवाने की भी जरूरत नहीं है। बस बेरीज को स्क्वीज करते जाना है, खुशबू भी अच्छी होगी और वॉश भी आराम से हो जाएगा। इतना काफी है, तुम्हें कैसा लगा? वाओ बहुत अच्छा, बिल्कुल इसके जैसा लग रहा है। हम खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं बेकिंग पूरी कर लेती हूँ। हाय बेटी। ओ हे, क्लास के लिए तैयार हो? मुझे कोई मैसेज कर रहा है। क्या? हे भगवान, एनी देखो। वो कमाल है, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं, मैं इसे खोल ही देती हूँ, नेचुरल लुक ज्यादा अच्छी लगती है। जरा रुको। अरे नहीं, मुझे लगा था कुछ अच्छा होगा, कुछ जबरदस्त चाहिए। मैं खूबसूरत लग रही हूँ, कमोशन में तो वो एकदम अच्छी लगती है। मैं पेंसिल से कर देखती हूँ, शायद मुझे कर्ल्स मिल जाए। बस थोड़ी देर और। हाँ, मुझे लगा ये काम करेगा। अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ ठीक है, जरा एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें ये चाहिए? क्या? भरोसा रखो, इसे तुम्हारे सर पर रखते हैं। अब बालों को इसके साथ साथ लपेटते जाएंगे, जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, बस इसे टाइट रखना है। अब हेयर टाई से इसे टिका देंगे। अब इसे तुम्हारे सर के पीछे की तरफ से बांधेंगे और बाकी का बचा हुआ आगे लाकर बांध देंगे। क्या ये कोई प्रैंक है? सीधी बैठी रहो, मुझे बहुत फैशनेबल लग रहा है। हाँ सच में, अब इंतजार करना होगा। कितना? जल्दबाजी मत करो, पता नहीं लंच में क्या होगा। अब मैं उतार दूं? नहीं। हाँ, और अब? नहीं। बेटी उठो, अब उतार दो। आखिरकार बस ये काम करे।
अरे वाह एनी, तुम तो जीनियस हो। मुझे यही तो चाहिए था। मैं तुम्हारे बिना क्या करती? तुम सिंगल ही रहती। अरे वाह, मैं लेट नहीं हुआ। हाय लियाम, कैसी हो? ये क्या था? क्या वो लेगिंग्स है? बहुत फनी है। ओ आनी, सलाह देने के लिए शुक्रिया। तुम अच्छे लग रहे हो लियाम। मेरे बाल बहुत सॉफ्ट और बाउंसी हो गए हैं। कुछ मत कहो। पैम्परिंग सेशन में मजा आ जाता है। मैं फेस मास्क ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। मेरी त्वचा चमकने लगेगी। अब मैं आराम करती हूँ। रुको, अपना फेवरेट शो देखते हैं। ये बेहतर है। लंबे घने बाल चाहिए। और ये हवा में उड़ते हुए कैसे लग रहे हैं? वाह, बहुत ही खूबसूरत। हाँ सच में, मेरे बाल कभी भी ऐसे नहीं दिखते। मुझे बहुत जलन हो रही है। कितनी गलत बात है। ये हेयर जेल इस्तेमाल कर देखो। वो मुझे इसी की जरूरत है। मुझे ये चाहिए। रुको, कितने का है? What? क्या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती? देखो वो कैसे बाल घुमा रहे हैं। वो अपने आप को बहुत खास समझती है। मेरे बाल गंदे हो रहे हैं। रुको, एक आइडिया है। तुम्हारा बहुत हुआ, मुझे तुम्हारा जेल नहीं चाहिए। मेरे पास एक फेस मास्क है, इसे मैं बालों पर रब करूंगी। बस ये अच्छे से कोट हो जाए, इतना काफी है। हाँ हो गया, अब ये जादू की तरह काम करेगा। अब इसे धो लेते हैं। वाह, मेरे बाल एकदम सॉफ्ट और शाइनी हो गए। कितने हेल्दी लग रहे हैं। ओह, वो फैंसी बालों वाली लड़की। अरे हाँ, वो अभी भी यही है। हे, ये देखो, अच्छे लग रहे हैं ना? मैंने सिर्फ फेस मास्क इस्तेमाल किया। उप्स, और ये सिर्फ $5 का है। ये कोई मजाक है? ने नहीं, फोक वहाँ नहीं रखते। हो, मैं जाग रहा हूँ। क्या सुबह हो गई? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। गुड मॉर्निंग मैम। खैर, मैं पूरा दिन सोई रह सकती हूँ। आपके कपड़े रैक पर हैं। ओह, सही चीजें चुनी है। ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ गया है, ऐसा नहीं चलेगा। ओह, मैं ये पहनूंगी, ये खूबसूरत है। हाँ, ये अच्छा लगेगा। क्या बात है मैम, आखिरकार वो चली गई। यही मौका है, मुझे जल्दी करना होगा। जरा इन शूज को तो देखो, बहुत मजा आएगा। क्या बात है गर्ल, मेरा मतलब है बटलर। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। वाओ, मैं गया। शायद मुझ में ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था। हाँ, ये वहाँ कैसे गई? मैं उठा लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ। रुको, नहीं, बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूँ, वो मुझे निकाल देंगी। मुझे इसे ठीक करना होगा। शायद मैं ग्लिटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत सुंदर है। ट्राई कर देखते हैं। चलो काम पर लग जाएं। इन शूज का मेकओवर करते हैं। पहले हमें ये टेप चाहिए, इसे शूज पर लगा देंगे। सोल से शुरू करेंगे, अब इसे सेक्शंस में बांट देंगे। शू पर ग्लू लगाएंगे। थोड़ा जल्दी करना होगा, ग्लू के सेट होने से पहले पहले। ग्लिटर में ब्रश डिप करेंगे और फिर शू पर पेंट करेंगे। इससे इसमें चमक आ जाएगी। सभी को ग्लिटर बहुत पसंद है। हर सेक्शन का अलग कलर होगा। जब हो जाए तो टेप निकाल देंगे। वाह, जरा इसे देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही दूसरे शो के साथ भी करेंगे। हमें मैचिंग पेयर चाहिए ना। अब इसे वापस शेल्फ पर रख देते हैं। वाह, मुझे ऐसे ही हील्स चाहिए, मैं इसमें कितना अच्छा दिखूंगा। ओह, यहाँ क्या हो रहा है? तुम मेरे लिए नए शूज लेकर आए? हाँ बिल्कुल। वो तुम सबसे अच्छे हो। उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। मैं इन्हें ट्राई करने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या फिट आए हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? इतने काफी होंगे? वाह शुक्रिया मैम, मैं इससे बहुत सारी हील्स खरीद सकता हूँ। हाँ कुछ नहीं, मुझे मॉल जाना है। मजे करो। हाँ अब चलते हैं और लोगों को जलाते हैं। वाओ, इन शूज को तो देखो, ये तो चलता फिरता रेनबो है। यही रुक जाओ, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। तुम इसमें जबरदस्त लग रही हो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? जाओ अंदर।
ये बहुत अच्छे दिखेंगे। ये करने के लिए शुक्रिया। मैं चाहती हूँ ये डेट परफेक्ट रहे। हो गया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। दिखाओ। वाह, बहुत अच्छा लगा। सच में मुझे शांति मिली। लगता है मैं तैयार हूँ। रुको, मेरी ड्रेस। मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं बेघर सी लग रही हूँ। हाँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूँ? हेज़ल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे पास दूसरी आउटफिट ढूंढने के लिए समय है या शायद नहीं। मैं बहुत नर्वस हूँ। ओलिविया को ये फ्लावर्स पसंद होंगे। हेलो। ओह नहीं, प्लीज मेरी मदद करो। सोचो हम यहाँ है ही नहीं। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। जल्दी, मैं प्रेशर में अच्छा काम नहीं कर पाती ओलिविया। मैं क्या करूँ? सोचो हम क्या करें, कुछ तो होगा। रुको, वहाँ देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आहा, सिजर्स। ये चलेगा? चलो करें। ओह, सिजर नीचे रख दो। मैं जानती हूँ क्या करना है। तुम श्योर हो? हाँ, पर बात करने के लिए समय नहीं है। ड्रेस के नीचे की तरफ एक कट लगाएंगे और हेमलाइन के ऊपर चलाएंगे, जहाँ ये फटा हुआ है वहाँ तक। इससे तो ये और भी खराब हो रहा है। मुझे ध्यान देने दो, इस कट को और बढ़ा देते हैं। ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे सेफ्टी पिन चाहिए। पहले ड्रेस के नीचे लगाएंगे, एक कट में पहले पिन घुसाएंगे और दूसरी तरफ लगाकर बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ से निकालेंगे और वहीं पर इसे बंद कर देंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ, पूरा ऊपर तक करेंगे। अब मेरा काम हो गया और मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये फटी हुई ड्रेस जो कचरे में जाने वाली थी, एक फैशनेबल आउटफिट बन चुकी है। वाह, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम तो फैशन गुरु हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना समय कहाँ लग गया? चलो भी, डिनर की बुकिंग है। ओलिविया, तुम अंदर हो तो किसका इंतजार है? वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सच में? हाँ हाँ, सच में। खुद को देखो। हाँ, उसने क्या कहा? तुम दोनों मजे करो, मैं फिर मिलूंगी। 9 बजे तक इसे घर छोड़ देना। क्या ये टॉयलेट पेपर है? हमने ये कैसे नहीं देखा? ओलिविया, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। हमारा आज का दिन भी हमारे काम के नाम। अब मुझे बस थोड़े कस्टमर्स चाहिए। ओह, मुझे प्रोफेशनल दिखना चाहिए ना? वाह, इन कपड़ों को तो देखो। हाय। ओह, ये सुंदर है। मुझे ये वाला भी पसंद आया, सारे ही अच्छे हैं। ये वाला ब्राउजर देखते हैं, ये मुझ पर अच्छी दिखेगी। और मुझे कलर बहुत पसंद है। वो ये जीन्स को तो देखो, ये कितनी अलग है पर अच्छी है। ये मेरी कलेक्शन में होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे ये जीन्स चाहिए प्लीज। आखिरकार, मुझे लगा तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो, पर मैंने गलत सोचा। $50? कुछ गलत है? मैं जानती थी ये बेकार होगा। तुमने उसके टैग को देखा भी है? ये $50 में नहीं आएगा। $200 सिर्फ जीन्स के लिए? मैं तुम्हारे बजट में तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, जरा देखो। ये क्या है? लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। ओह, ये क्या है? टडा! इतनी सी चीज के लिए इतना बड़ा दाम? हाँ, पर यही मिलेगा। याइक्स। मैं सोच रही हूँ मैं इसका कुछ और कर सकती हूँ। मुझे पेंस चाहिए। मैं जरा ये पहन लूँ। मैं इसे अपनी जीन्स के ऊपर पहनूंगी। ये क्या कर रही है? बुरा मत मानना। मैं जरा ये पहन लूँ, मैं नहीं देख सकती। ये थोड़ी टाइट है। चलो अब आगे क्या करें? एक पेन लेते हैं। ये कलर अच्छा है। हम इस जीन्स को डिजाइनर बनाएंगे। हमें बस इन पैंटीज के ऊपर इस तरह पेन चलाना है और इसका मटेरियल स्टेंसिल की तरह काम करेगा। मुझे बस गैप्स फिल करने हैं। इसे एक ही साइड पर करेंगे, जैसे मैनिकिन के होते हैं। वो मैं क्या देख रही हूँ, पीछे के पॉकेट पर भी करेंगे। ये मजेदार है। बाकी जीन्स के साथ भी ऐसा ही कर लेना चाहिए। इतना काफी है। हो गया, अब मैं इसे उतार देती हूँ, इसकी और जरूरत नहीं है। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। इतने कम दाम में एक डिजाइनर जीन्स बन गई। तुम्हें कैसा लगा? वो तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मैं जानती हूँ। अब चलना होगा। व्हूप्स, तुम ठीक तो हो? सोचो तुमने कुछ नहीं देखा, ये कैसे हुआ? ओह हाँ, शर्मा रही है। तो मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल।
मुझे लोगों से बहुत परेशानी है, पर ये अच्छा आइडिया था। करती रहो, रुको मत। हाँ, तुम अच्छा कर रही हो। शुक्रिया, मैं बढ़िया कर रही हूँ ना? वाह, तो ये जिम है। ओह हे। हाय ओलिविया। वो कौन है? वो कितनी फिट और हेल्दी लग रही है। मैं भी ये कर सकती हूँ। इसे और दिलचस्प बनाते हैं। मैं वेट इस्तेमाल करूँगी। क्या निक मुझे देख रहा है? करती रहो हेजो। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मैं स्किपिंग कर कर देखती हूँ। जितना सोचा था उससे मुश्किल है। इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं मिलता। ओ, लगता है मैं फंस गई हूँ। मेडे, चलो लंचेस ट्राई करें। ठीक है, जैसा तुम कहो। वो अपने आप को बहुत खास समझती है। मैं कितने ढीले कपड़े पहनती हूँ और वो कितनी अच्छी लग रही है। जरा उसे देखो। मुझे भी नए कपड़े चाहिए, तभी निक मुझे देखेगा। हाँ, ये जरूर काम करेगा। पहले पैंट्स को टेबल पर रखते हैं और थोड़ी ऑल्टरेशंस करते हैं। साइड पर इस तरह कट लगाते हैं। हाय के पास बाहर से अंदर की तरफ डायगोनल कट लगाएंगे। दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे, इस तरह। हाँ, अब इसे उल्टा कर देते हैं और इसे ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब इसे पकड़ कर थोड़ा सा मोड़ देंगे। अब हम इसे साथ में जोड़ देंगे। इसे वेस्ट बैंड के साथ जोड़ेंगे और इसे लातों के साथ जोड़ेंगे। ये अच्छे से सिक्योर होना चाहिए। हाँ, लगता है इतना काफी है। इसके बाद कॉफी पीने चलोगे? ओलिविया। ओह हे निक, मेरी नई आउटफिट पसंद आई? मैं फ्लॉटिंग में बहुत अच्छी हूँ। वो तुम हॉट लग रही हो। हे, कहाँ जा रही हो? हे भगवान, वो आ रहा है। तो मैं तुम्हें ट्रेन करूँ? रुको एक सेकेंड, जरा मैं थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाऊँ। वाह, मेरा दिल धड़क रहा है। तो तुमने देखा, तो तुम्हें कैसा लगा? तुमने क्या पहना हुआ है? मैं कब से बाइसेप्स बना रहा हूँ। ओह हाँ, दिख रहा है। लगता है कोई गलती हो गई। मैं घर जा रही हूँ। ओह, वापस आओ। रुको, तो हम कहाँ थे? ये क्या? मैं जा रही हूँ। हे भगवान, मुझे नई लुक चाहिए। इसे उतारना होगा। मुझे ये ग्लासेस भी नहीं चाहिए, ये मुझे दे दो। और मुझे इस शर्ट का कुछ करना होगा। हे मिंडी, ये मुझे दे दो। लिली, आप पार्टी शुरू कर सकते हैं। ये हाँ अच्छे दिखेंगे। सबको वाटरमेलन पसंद है और इससे पार्टी में ट्रॉपिकल फील आएगी। चलो कर्टन्स खोल दे। लगता है सब तैयार है और अच्छा लग रहा है। जरा रुको, मैं कुछ भूल गई। मेरा वाटरमेलन, ये बहुत खूबसूरत है। मैं इसे लिविंग रूम तक ले जाती हूँ। वो नहीं, ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है? अब मैं क्या करूंगी? ओह, समझ गई। स्टोर तो बंद है, पर मुझे वाटरमेलन चाहिए। मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। ये ठीक नहीं लग रहा। शायद मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। शायद ये आइडिया अच्छा नहीं था। आखिरकार स्वादिष्ट वाटरमेलन। मेरी टी शर्ट तो देखो, ये भी इतना जरूरी नहीं है। रुको, इसे उठाने के लिए मेरे पास बैग नहीं है, पर शायद मुझे इसकी जरूरत ही ना पड़े। अगर टी शर्ट पे ही होल्स कर लिए जाएं, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी ये खराब तो हो ही चुकी है। हाँ, ये चलेगा। इसे उतार कर उल्टा कर देते हैं। अब एक नॉट बांधेंगे, ये बिल्कुल काम करेगा। इसमें वाटरमेलन फिट आ जाएगा और मैं इसे घर ले जा सकती हूँ। मुझे इसी की तो जरूरत थी। चलो चलिए, हम इसको सही सलामत ले आए। अब मैं वाटरमेलन यहाँ रखती हूँ। ये तो काम आ गया। हे, क्या ये वाटरमेलन है? ओह, मुझे भी एक स्लाइस चाहिए। बहुत जूसी है। मजा आ गया। अब कचरा ले जाते हैं। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे बस पड़े रहना है।
बदबू आ रही है। नहीं, ये तो क्रिस है। वो मुझे ऐसे नहीं देख सकता। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। उसे भी यहीं बैठना था। तब तक यहाँ छिप जाती हूँ। चलो भी क्रिस, जाओ। नहीं, वो इसी तरफ आ रहा है। अब हम क्या करें? बस एक ही चारा है। क्या विश्वास नहीं होता? मैं आ रहा हूँ। आउच, अब मैं सच में कचरे जैसी लग रही हूँ। पर कम से कम शर्मिंदा तो नहीं हुई। नहीं, ये बहुत बुरा आइडिया था। चलो भी कुछ सोचो। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। मैं कचरा ही इस्तेमाल कर लूँ? ऐसे टाइम में कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। इतना भी बुरा नहीं है। क्यों, ये कैसे हो सकता है? तुम ठीक तो हो ब्रो? हाँ, जाओ यहाँ से। रुको, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लूना। हाय क्रिस, तुम ये क्या कर रही हो? बेघर लग रही हो। तुम बहुत बुरे हो। तुम एक लूजर हो। वो कितना बुरा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे गुस्सा आ रहा है। ओह हेलो, ये क्या? मुझे ड्रेस चाहिए इसके बदले। तुम पागल हो? Ew. मुझे लगा था ये अच्छी डील है। रुको, लगता है मैं समझ गई। इसमें से बाजू निकाल लेते हैं और नेक की तरफ से निकालेंगे। स्लीव्स को आगे की तरफ टाइट कर नेक पर बांध देंगे। क्यूट लग रहा है। ओ, मेरे बाल। ये हुई ना बात। क्या, विश्वास नहीं हो रहा। मैं अभी आ रहा हूँ। क्रिस, हे, वापस आओ। हाय, कैसे हो? हे लूना, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। अरे वाह, तुमने ध्यान दिया। हे भगवान, कितना फनी है। कितना प्यारा मैसेज आया है। अरे नहीं, देखो क्रिस ने मुझे अभी डेट के लिए पूछा। क्या, जल रही हो? रुको, और ये देखो, क्रिस मुझे भी डेट पर ले जाना चाहता है। वो ये मेरे साथ कैसे कर सकता है? ये लड़के भी ना, कोई गलती लगी होगी। मैं जानती हूँ, वो तुम्हें डेट के लिए क्यों पूछेगा? क्रिस के साथ हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा, समझी? ठीक है, और वो मैं ही रहूंगी। हाँ बिल्कुल, वो तो हम देख लेंगे। मैं क्रिस को मदहोश कर दूंगी। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। वो लिपस्टिक मैं लगाने वाली थी। ओ, शर्म करो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद हैं। मुझे तो वो वैसे भी पसंद नहीं थे। ये ज्यादा क्लासी है। वो तो तुम जो मर्जी समझो। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मैं भी। ये वाला, ये क्या कर रही हूँ? वैसे भी वो क्यूट लग रहा था। ये जीन्स तो अच्छी ही दिखती है। वो मेरी है? बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दो, मैंने उन्हें पहले देखा। बस करो, रोक सकती हूँ तो रोक लो। ये तुमने क्या कर दिया? अब ये तुम रख लो। गुड लक। पर अब मैं क्या करूं? मैं ये नहीं पहन सकती। लेकिन मुझे इसे थोड़ा और फाड़ना होगा। अब इसमें से अपने हाथ निकाल लेंगे और इसमें से अपना सर, बिल्कुल इस तरह। इसे नीचे की तरफ खींचे। वाह, कमाल का लग रहा है। चलो चलिए, इतनी जल्दी नहीं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मानना पड़ेगा, बढ़िया है। फिर मिलते हैं। मेरे रास्ते से हटो। क्रिस, ये किसके साथ है? Wow. Oh, hey, girls. Oh, ये ट्विन्स है। चलो ये सब भूल जाओ। पहले तुम। मैं मिंडी का इंतजार कर रही हूँ। वो आ गई, बाद में बात करती हूँ। हे, तुम कैसी हो? तो चले। हाँ, मैं उठ नहीं पा रही। अजीब बात है, वैसे बुरा हुआ। ये पेंट गीला था। अरे नहीं, मैंने तो ये साइन देखा ही नहीं। ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं उठ नहीं पा रही।
मैं इससे चिपक गई हूँ। ये तो अक्सर होता रहता है। अब मैं क्या करूँ? रुको, मैंने पेंट इस्तेमाल किया था या ग्लू? उप्स, खैर छोड़ो। कुछ नहीं हो रहा, मैं यही रहूंगी। रुको, मैं मदद करती हूँ। मुझे लगा इससे कुछ होगा। और जोर से खींचो। चलो मेरे बेड से उठो। फिर बहुत मेहनत का काम था। मैं बहुत थक गई। मुझे मत कहो, देखो कैसा लग रहा है और सच सच बताना। बुरा है ना? हाँ बिल्कुल। रुको, शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। बस कुछ सामान चाहिए, ये मुझे दो। मुझे जीन्स बहुत पसंद थी। हाँ चलो काम पर लग जाए, भरोसा रखो। बस तुम्हारी जीन्स पर ये पेंट स्प्रे करेंगे। मैं बस स्टेंसिल्स इस्तेमाल करूंगी, बहुत अच्छा दिखने वाला है। बस थोड़ी सी लाइन्स यहाँ। ओह, ये यहाँ सही रहेगा। मुझे डिजाइनर बन जाना चाहिए। पीछे की तरफ से भी हो गया, अब आगे की बारी। इस कार्ड से ये पेंट आपकी स्किन पर नहीं लगेगा। तुम्हें मुझे इसके पैसे देने चाहिए। हाँ, बस थोड़ी सी और डिटेल्स। हाँ ये हो गया, तुम्हें कैसा लगा? वाह, ये तो लाजवाब है। विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास कस्टम जीन्स है। तुम एक जीनियस हो। दोस्त इसीलिए तो होते हैं। हाँ चलो चले। मेरा पेंट कहाँ है? वो यहीं कहीं होना चाहिए। मैं इसे खो नहीं सकता। ओ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो शुरू करें। तो आ जाओ, इसे अभी ही खत्म करना होगा। ये मेरी है। देखो तुमने क्या कर दिया। हम इसका कुछ कर सकते हैं। ओह अच्छा आइडिया है। वाह कमाल का लग रहा है। ये लो, प्यारा है। वो एक डेनिम ड्रेस, बढ़िया है। तुम्हारी बारी मियां, शानदार। चलो जल्दी करो। कोशिश कर रही हूँ। स्किनी जीन्स पहनना इतना मुश्किल क्यों है? बस जरा रुको, ये देखना मुश्किल है। लगता है मैं समझ गई। नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरा एंगल ट्राई करते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखा टोज निकल आए हैं। बहुत मुश्किल था। अब दूसरी लात की बारी। ये ठीक नहीं हुआ। ओह नहीं, ठीक है मैं ठीक कर सकती हूँ कैची से। दूसरी लात पर बस सही जगह ढूंढनी है। अच्छा लग रहा है, अब डेनिम को बीच से कट करेंगे। लो कट गया। मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने बराबर कर लेती हूँ, ये छोटी होती जा रही है। हाँ रुको, वो मुझे दो। ठीक है, सब कंट्रोल में था। हाँ हाँ बिल्कुल। बची हुई जीन्स को टेबल पर रखें, कैंची ले लें। एक लात पर एक डायगोनल लाइन काटें। अब ये शॉर्ट्स बन गई। ये रहे राइनस्टोन्स, इसे स्ट्रिप्स में काटेंगे। अब एक मजेदार हिस्सा, हम इन्हें और दिलचस्प बनाएंगे। अगले पार्ट के लिए हमें ग्लू गन चाहिए होगी। शॉर्ट्स के कोने पर बस थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे। अब इस पर राइनस्टोन्स लगा देंगे। पूरी शॉर्ट्स पर इस तरह ये लगाएंगे, वो भी अलग अलग लेंथ की। लो हो गया, अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद है मिया को ये पसंद आए। हाँ ये ट्राई करो। वाह लाजवाब। शुक्रिया बेटी, मैं तो अपना काम कर रही थी, तुम सबसे अच्छी हो। अच्छी लग रही हूँ, बस थोड़ा सा टचअप और मैं तैयार हो जाऊंगी। बेटी इस कमरे को तू देखो, क्या गड़बड़ है। बहुत गलत बात है,
हर जगह मेकअप और कपड़े पड़े हैं। तुम्हें इसे साफ करना होगा यंग लेडी। ये इतना भी बुरा नहीं है, ये कैसा मजाक है। मैं तो इसमें ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। ओह, इसमें कुछ है। इससे मुझे एक आइडिया आया, शायद इससे ये साफ हो जाए। मैं पुरानी जीन्स इस्तेमाल करती हूँ। ट्राई कर देखते हैं, थोड़ी जगह बना लूं। अब देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। बहुत सारी जीन्स हैं। चलो काम तो आएंगी। काम शुरू करते हैं। ये रही मेरी कैंची। पहले इस जीन्स से शुरू करेंगे, पीछे के पॉकेट्स काट लेंगे एकदम ध्यान से। और पॉकेट्स चाहिए होंगे। अब एक डेनिम का पीस लेते हैं, साइड्स पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर शू लेस लगा देंगे। दूसरी साइड भी कुछ ऐसा ही करेंगे। फालतू की लेस को नॉट में बांध देंगे। अब पॉकेट के पीछे ग्लू लगाएंगे, ज्यादा ग्लू की जरूरत नहीं है। इसे उल्टा करेंगे और डेनिम पर लगा देंगे। इसे अच्छे से दबाएं ताकि ये टिक जाए। बाकी के पॉकेट्स भी लगा देंगे। ये आखिरी थी और हो गया। अब इसे टांगने की जगह ढूंढते हैं। ये परफेक्ट है और सामान रखने के लिए भी सही है। तुमने सुना, सारा मेकअप यहाँ जाएगा। कितना ही मुश्किल था। वाह, थैंक्स मॉम। अब घर नहीं मचना चाहिए। मॉम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वाह, ड्राइंग अच्छी है। मैं मिया को प्रैंक कर सकती हूँ। एकदम आराम से, उसे अंदाजा भी नहीं है। ओप्स, ये क्या? तुमने ये कैसे किया? वाह, मुझे देखने दो। हाँ? मिया, मैंने वो पहनी हुई थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जीन्स पर और डिजाइन बनाते हैं। पहले एक नॉर्मल पेन से ड्राइंग को स्केच करेंगे। सही लग रहा है। अब इसके ऊपर मार्कर पेन चलाएंगे। अब कलर करेंगे। बस लाइंस के अंदर ही रहना है। बहुत अच्छे दिखने वाले हैं और क्रिएटिव होने का सही तरीका है। अब हम नीचे की तरफ भी कुछ बना सकते हैं। चलो एक प्यारा सा डॉग बनाएं। पहले इसका स्केच बनाएंगे, फिर इसमें कलर फिल करेंगे। ये काफी अनोखी जीन्स होगी। वाह, अब बैक पॉकेट पर बनाते हैं। मुझे ये सब करना शुरू कर देना चाहिए। लगता है इतना काफी है। अरे वाह, तुम्हें कैसा लगा? वाह, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। तुम बहुत टैलेंटेड हो। अब ये मेरी सबसे फेवरेट जीन्स है। बहुत मजेदार है। थैंक्स मिया। ओह, वहीं रुक जाओ। ये लो। सच में? ठीक है, इसके बदले कुछ दोगी? हाँ हाँ, मैं पार्टी पर जा रही हूँ। हे टेडीज, बस वहाँ पर प्यारे प्यारे लड़के हो। बेटी, चलो खेलें। हटो यहाँ से, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, वो जा रहा है। मुझे तुमसे प्यार है डैडीज। डैडी किस बारे में बात कर रही है? दिलचस्प है। हटो। तुम बुरी हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ। मेरे ये कपड़े बहुत बोरिंग है, मैं इन्हें स्टाइलिश बनाती हूँ। बस थोड़ा सा कट करना है। ओह हाँ, ये काफी बेहतर है। वो तो बहुत, रुको, वो मेरा है। ये क्या था? रुको। क्या? तुम बहुत बदतमीज हो, ये मुझे दो। ये खराब हो गया। पर मजा आया। रुको, शायद मुझे इसे फेंकना नहीं पड़ेगा, मैं इसे पहन सकती हूँ। पहले इसे फोल्ड करेंगे, अब बीच में कट लगाएंगे। इसे सीधा काटेंगे क्योंकि हमें इसके स्लीव्स और साइड्स काटनी है। अब और कट्स लगाएंगे, पर नेकलाइन के नीचे हम रुक जाएंगे। जब इसे खोलेंगे तो ये टैसल्ड होगा, तो इस तरह दिखेगा। अब इसे फैला देंगे।
इस तरह दो टैसल्स लेकर इन्हें साथ में बांध देंगे। और अब बाकियों को भी, जैसे हम बालों को ब्रेड करते हैं, इस तरह नीचे तक नॉट्स बांधते जाएंगे। ये नेट जैसा दिखना चाहिए। वाह, मुझे ये ऐसे ही चाहिए था, पर मैं ऐसे पहन नहीं सकती। ये हुई ना बात। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है। तुम अभी भी बोरिंग हो। मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। मैं उसका बैग भी ठीक कर देती हूँ। नहीं, मैं इस डेट का इंतजार कर रही थी। कब से इंतजार करवा रहा है, उसने मुझे पागल बना दिया। तुम कहाँ हो? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? स्वादिष्ट मिल्क शेक। हाँ, क्या ये मिया है? मिया, हे, कैसी हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत समय से नहीं मिले। ओह, मेरी स्कर्ट खराब हो गई। मैं डेट पर आई हूँ। क्या तुम? मैं कुछ करती हूँ, शांत हो जाओ। मैं एक स्पेयर अपने साथ रखती हूँ, ये कई बार होता है। मेरा टॉप तो ठीक है, मेरी स्कर्ट खराब हुई है। अरे ट्राई तो करो। हाँ हाँ पहनो। मैं क्यों कर रही हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं कुछ करती हूँ, हमें स्क्रैप्स ठीक करनी होगी। इसका क्या मतलब है? अब हम इसे नीचे ले आएंगे और ये स्कर्ट बन जाएगी। दाग वाली निकाल दो, एक ब्रांड न्यू आउटफिट बन गई। उप्स, हे भगवान, तुम सबसे अच्छी हो। ओह, वो आने वाला होगा। गुड लक, उम्मीद तो है। ओह, मेरी ड्रिंक, शुक्रिया, मैं डाल दूं। ओह, कोई कॉल कर रहा है, जरा रुको। नहीं, दोबारा नहीं। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुद्धू हूँ। ओह रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम ये स्कार्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके देखो। सांप को इस तरह लपेट कर कोनों को पकड़ेंगे। अब इसे रिंग से निकाल लेंगे और रिंग को बिल्कुल यहाँ ले आएंगे। ये कसकर बन चुकी है। अब कोनों को नेक पर बांध लेंगे इस तरह। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये तुम पर जच रहा है। मुझे शांति मिली, प्लीज आओ बैठो, दोबारा ट्राई करते हैं। माफ करना, इस बार मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तुम आ ही गए। माफ करना, मैं लेट हूँ, ये तुम्हारे लिए। उप्स, ये गलती से हुआ है। ओह नहीं नहीं, तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बेटी, अब मेरे पास पैर टॉप्स नहीं है। बहुत हुआ, अब मैं सिंगल ही रहूंगी। मुझे सिलाई बुनाई बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी अपनी पोती के साथ समय बिताने का अच्छा मौका है। हे भगवान, ये क्या है? आई हो गया, शानदार। डार्लिंग, ओ डार्लिंग, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। हाँ, ओह, आपने मेरे लिए स्वेटर बुना, शुक्रिया। ये लो। वाह, ये काफी भारी है। हेयर, तुम्हें कैसा लगा? शुक्रिया, ये बढ़िया है। अगर मैं ये स्कूल में पहनूंगी तो मुझ पर सब हंसेंगे, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। देखो तुम कैसे ढकी हुई हो, बू, बुद्धू कहीं की। अरे नहीं, मैं नहीं चाहती ऐसा हो। हे ग्रैंडमा। ओह, वो सो गई। अरे नहीं, अब मैं स्वेटर का क्या करूं? एक सेकंड रुको, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। एक क्लोथिंग हैक करते हैं, ये स्वेटर मेरे काम जरूर आएगा। मैं उसे एक टर्टल नेक से टॉप बना दूंगी। ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है। और अब इन स्लीव्स का कुछ करना होगा। हे, मैं इसे अपनी कमर पर बेल्ट की तरह बांध लूंगी, एक स्क्वायर नॉट बनाकर, और लूज एंड्स को इस तरह टक कर लेंगी ताकि ये दिखे नहीं। और ये हो गया, एक ओवरसाइज स्वेटर से ये एक स्वेटर ड्रेस बन गई। हाँ, ग्रैंडमा कितनी प्यारी लग रही है। बस वो उठ ना जाए, उन्हें झपके लेनी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अब देखते हैं मुझ पर कौन हंसता है। वाह, कितनी कमाल की ड्रेस है। शुक्रिया, ये मेरी ग्रैंडमा ने बनाई है।
वो एक मजेदार पार्टी हो जाए। हे सुनो, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। योर वेलकम। स्नैक टाइम। मुझे बर्थडे प्रेजेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो मेरे फेवरेट है। देखते हैं इसमें क्या है। ओह, एक्साइटिंग। अरे वाह, ये क्या है? उससे मतलब कोई स्टाइल का लेना देना ही नहीं है। हे, तुम्हें पसंद आया? ये स्कर्ट है ना, पर ये बहुत लंबी है। ये पैंट्स है, मुझे रंग अच्छा लगा। अरे यार, ये बहुत भयानक है। रुको, कोई बात नहीं, हम ये ठीक कर सकते हैं। ओह ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, हमें इसका कुछ तो करना होगा। ये रही जायंट बैगी पैंट्स। अब हमें अगले स्टेप के लिए कैंची की जरूरत होगी। मैं इसे यहाँ से काट दूंगी। बढ़िया, अब हम इसे निकालेंगे। अब ये पैंट्स नहीं रही, मैं इसे गले से पहनूंगी और ये स्लीव बन गई। लो, अब वो भयानक सी पैंट्स एक शर्ट बन गई। हे, मैं आ गई। वो शानदार, मुझे नहीं पता था ये पैंट शर्ट है। ये लड़के भी ना। बहुत मजेदार ट्रिप होगी। मैं टैन होने का इंतजार नहीं कर सकती और मैंने ये टिकट फर्स्ट क्लास में ली है। चलो फिर मिलते हैं, मैं पैकिंग पूरी कर लूं। मैं सब ले लेती हूँ। ओह, सन हैट भी। मैं ये नहीं ले जा सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे असल में बीची सैंडल्स चाहिए। मुझे पता है वो यही कहीं थे। ओह, एक माउस। ये मेरे सैंडल्स खराब कर रहा है। ये मुझे वापस दो, चूहे। मैंने कहा इसे दो। जाओ, निकलो यहाँ से। शुक्रिया, हो गया। हे, एक सेकंड रुको, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास ये पुराने गलोशेस हैं। मैं इन्हें ऊपर से काट दूंगी और ये हो गया। ये निकल आए और हमें अब एक और कट यहाँ लगाना है और ये हो गया। वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हमारे पास सैंडल्स का एक नया पेयर है। परफेक्ट। अब आकर दिखाओ पुटू माउस और चलो बीच पर चले। आज लॉन्ड्री डे है। शुक्र है धोने के लिए काफी कपड़े नहीं है। ओ, मेरी जीन्स, मुझे बहुत पसंद है। ये सब में से मेरी मन पसंद है। हो गया, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। तो चलो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं वॉच पर टाइम लगा देती हूँ और यहाँ रहकर इंतजार करते हैं। वाह, मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। हाँ, बस ये कपड़े धुलने ही वाले हैं। ओह, हो गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ये रही मेरी स्कर्ट। क्या, इसे क्या हो गया? ये इतनी छोटी कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी फेवरेट जीन्स के साथ ऐसा ना हो। लगता है ये ठीक है, मुझे इन्हें ट्राई कर लेना चाहिए। चलो भी, फिट हो जाओ। इन्हें खींचना होगा। कोई काम का नहीं, ये श्रिंक भी हो गई है। मेरी फेवरेट जीन्स पूरी खराब हो गई। ये कैसे हो सकता है? मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इन्होंने मुझे धोखा दिया है। मुझे तो बस इनसे प्यार था। रुको, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं उल्टा पहनती हूँ। इन्हें दोनों लातों पर चढ़ाना होगा और फिर मैं इन्हें ऊपर ले आऊंगी। हाँ, ये काम किया। मैंने पैंट्स के साथ सही खेल खेला। तो स्कर्ट, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी मनपसंद जीन्स बच गई और ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है। मैं अपना दिन शुरू कर सकती हूँ। लगता है यही सही घर है।
पक्का मेरी डिलीवरी होगी। ये रही आपकी डिलीवरी मिस। हाँ, मुझे पैकेजेस लेना बहुत पसंद है और ये वाला तो ऑस्ट्रेलिया से आया है। बस मैं इसे खोल लूं। चलो भिट्टे खुल भी जाओ। ये किसी काम का नहीं है। ओह बिल्कुल, मैं कैंची का इस्तेमाल करूंगी। हाँ चलो, इससे टेप कट रही है। आखिरकार मैं ये बॉक्स खोल सकती हूँ। ओह नहीं, मैंने तो अपना कोट भी काट लिया और ये पूरा खराब हो गया। कितनी बड़ी गलती है। तो शायद मैं इसका कुछ कर पाऊँ। हाँ, इसे पहन कर देखते हैं कि हुआ क्या है। अब हमें कैंची चाहिए होगी। जहाँ से ये कटा हुआ है हम इसे वहीं से काटेंगे। लो, मैंने इसे पूरा काट दिया। अब मैं नीचे के हिस्से को स्कर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ पर बटन लग जाएंगे। तो चलो, अब मेरे पास एक छोटी जैकेट और स्कर्ट है। वाह, कितना शानदार लग रहा है। मुझे एक फोटो लेनी चाहिए। इन सेल्फीज पर बहुत सारे लाइक्स आएंगे। हाँ, मैं ये फोटो भेजूंगी भी। ओह, काश उसे पसंद आए। उसे पसंद आए, उसे बहुत कूल लगी। हाँ, मुझे अब आराम करना है। मैं इसके हकदार हूँ। ठीक है, मैं स्विम सूट पहन लेती हूँ। ओह नहीं, मेरा स्विम सूट, ये बिल्कुल खराब हो गया। अरे नहीं, मैं कैंडी बार के बारे में तो भूल ही गई। अब तो मैं इसे पहन ही नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? रुको, मुझे पता है इसका क्या करना है। ठीक है, मुझे हार्ट के लिए ये कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, इसके साथ अभी काफी काम बाकी है। बढ़िया, पहले मैं इसे अपनी कमर पर बांधना शुरू करूंगी। बढ़िया, ये बिल्कुल स्कर्ट की तरह ही लग रहा है। क्यूट, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ। मैं इसे अपनी लातों से निकालूंगी और फिर इस नॉट में टक कर लूंगी। अब इसके कोने से इसे रोल करेंगे और पीछे एक और बार बांध देंगे। लो, ये अपनी जगह पर आ चुका है। टाडा, मैंने एक नया स्विम सूट बनाया। अब मैं धूप में बैठने के लिए तैयार हूँ। अच्छे से हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। वो स्विम सूट एकदम कमाल का है। उसे देखना बंद करो। चलो चलें। ये सूट बहुत अच्छा है, मुझे खुद ही पता है। हम सब अच्छा दिखना चाहते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो। आपका सबसे अच्छा फैशन हैक क्या है, कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।